ओम नॉलेज हब। और आज हम देखने वाले स्टैंडर्ड नाइन्थ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 4, मेजरमेंट ऑफ मैटर। मैटर क्या है? मैटर ऐसी एक सब्सटेंस है जिसमें मास प्रेजेंट होता है, उसे मैटर कहा जाता है। उसका हम मेजरमेंट सीखने वाले हैं। सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। उससे पहले कैन यू रिकॉल देखते हैं, व्हाट इज़ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की थी जिसके अनुसार, देखो एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने प्रपोज की थी कुछ थ्योरीज। सो हम पिछले 8 स्टैंडर्ड में हमने उन्हें देखा था। तो इन प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव लर्न दैट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। देखो यहाँ पे दिखाया है डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी का, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स आर फाउंड बाय जॉइनिंग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टू इच अदर। मतलब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंट था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके कंपाउंड किससे बनते हैं, दूसरे एटम्स के एलिमेंट से जुड़ने के बाद। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे द कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। द फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट इन दिस रिगार्ड वेर परफॉर्म्ड बाय साइंटिस्ट इन 18th एंड 19th सेंचुरी। मतलब एक कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, एक द्रव्य या फिर मिक्सचर एक सब्सटेंस का, उसका केमिकल चेंज कर सकता है। उसमें दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज होता है। द फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट्स इन दिस रिगार्ड आर फॉर्म्ड बाय, देखो ऐसे फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट कब परफॉर्म किए गए थे, 18th और 19th सेंचुरी में। व्हाइल डूइंग दिस दे मेजर्ड एक्यूरेटली द सब्सटेंस यूज्ड एंड फॉर्म्ड एंड डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन। उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने एक्यूरेटली मेजर किया किस मैटर के प्रेजेंट उन सब्सटेंसेस में, और एक नया लॉ बन गया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। साइंटिस्ट शुड कुड राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वेरियस कंपाउंड्स ऑन बेसिस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके आधार पर उन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने चालू कर दिए, किसके बेसिस पे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पे। एंड द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वी आर शॉल वेरीफाई द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मीन्स ऑफ नोन मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम दिए गए मॉलिक्यूलर फार्मूला से वेरीफाई करेंगे कि लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन सही है या नहीं। सो इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने यहाँ पर ट्रैक दिस दिया है, ट्राई दिस। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें लगे एक कोनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब्स और एक बैलेंस, मतलब एक वजन करने के लिए। सो केमिकल्स लगेंगे कैल्शियम का क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। देखो एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, टेक 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड इन लार्ज कोनिकल फ्लास्क एंड पुट 18 ग्राम वाटर इन इट, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। देखो ये एक्सपेरिमेंट दिए गए, आपको कभी स्कूल लैब में लेके जाए ना तो इस एक्सपेरिमेंट को करने को बोलो। तो मैं करके दिखाता था लेकिन मेरे पास उतना ये अभी उतना ये नहीं, मेरे पास मटेरियल नहीं है, तो आप कभी कर लेना लैब वगैरह में स्कूल के। देखो ऐसा करते हैं उसको, देखो कैल्शियम क्लोराइड का जो है ना वो फ्लास्क में डालेंगे, और जो सोडियम सल्फेट है ना उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसको उसमें रख देंगे। तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है, देखो यहाँ पे 300.23 ग्राम आया। अगर हम सिर्फ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaSO4 इन NaCl सॉल्यूशन, देखो CaSO4 इन NaCl सॉल्यूशन, उसका अगर सेम वजन निकालेंगे, मतलब इनका केमिकल कॉम्पोजिशन करके, उसका केमिकल कॉम्बिनेशन करके उसका अगर मास निकालेंगे तो सेम आएगा दोनों का। ये इसलिए
ये वेरीफाई होगा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन राइट है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, इन दिस अबव एक्टिविटीज द मास ऑफ ओरिजिनल मैटर एंड द मास ऑफ मैटर न्यूली फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज इज इक्वल. इस लॉ में क्या है, जो ओरिजिनल मैटर है उसका जो मास है उसका मास, और जो मैटर न्यू नया बन रहा है उसका जो रिजल्ट है उसका केमिकल चेंज सेम है. इन 1785 द फ्रेंच साइंटिस्ट एंटोनियो लेवोसियर इन्फ्रेड फ्रॉम दिस रिसर्च दैट देर इज नो राइज और ड्रॉप इन द मास ऑफ मैटर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज द सेम एज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यू टू केमिकल रिएक्शन एंड दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मैटर. देखो ये लॉ है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, तो यहाँ से यहाँ तक उसका आंसर है, ये उसका डेफिनेशन है. देखो इसमें क्या बताया गया, इन अ केमिकल रिएक्शन अ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, जो टोटल मास है रिएक्टेंट्स का, जो रिएक्ट करेंगे वो किसके सेम है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के. मतलब अगर मैंने एक यहाँ पे देखो यहाँ पे एक रिएक्शन लिया 2H2O प्लस CO2, तो ये जो है दोनों ये हुए रिएक्टेंट्स, और जिसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको प्रोडक्ट कहते हैं. वो फॉर्म ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस, वो सेम है दोनों का मास, टोटल मास, एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. देखो ये किसने प्रपोज किया था ये लॉ, फ्रेंच साइंटिस्ट एंटोनियो लेवोसियर, इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है. लॉज ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, इन 1794 द फ्रेंच साइंटिस्ट जे एल प्रोस्ट स्टेट द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन एज द प्रोपोर्शन बाय लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स इन द डिफरेंट सैंपल ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड. मतलब जो प्रोपोर्शन रहता है, मात्रा रहती है अलग अलग मासेस की कॉन्स्टिट्यूंट्स में से एलिमेंट्स के, वो डिफरेंट रहते हैं अलग अलग सैंपल्स पे, और उसका कंपाउंड फिक्स रहता है. फॉर एग्जाम्पल द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर, मतलब या ये जो प्रोपोर्शन है किसका, मास ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन वाटर वो क्या है, 8:1:8, देखो 1:8 है प्रोपोर्शन, देखा यहाँ पे. दैट मीन्स 9 ग्राम वाटर इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ 1 हाइड्रोजन एंड 8 ऑक्सीजन, इसका ये रेशियो है. दिस मीन्स दैट सिमिलरली द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स इज 3:8. तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन क्या होगा मास का, वो क्या होगा 3:8. दैट मीन्स 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इनका प्रोपोर्शन ऐसा होता है. सो दैट प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 3:8. देखो यहाँ पे एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट दिया गया है. एंटोनियो लेवोसियर 1743 to 94, फ्रेंच साइंटिस्ट, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड्स ऑफ केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स. ये केमिस्ट्री के फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री माने जाते हैं. इन्होंने क्या क्या दिया, क्या क्या रिसर्च थी इनकी, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, शोड द मैटर कंबाइंस विद ऑक्सीजन ड्यूरिंग कंबोशन, वॉज द फर्स्ट यूज एक्यूरेट वेइंग टेक्निक्स टू वे मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, डिस्कवर्ड दैट. देखो ये प्रोस्ट का फोटो दिया गया है और ये लेवेसर का फोटो दिया गया है. फर्स्ट राइटर ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मास इन केमिकल रिएक्शन, डिस्कवर दैट वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो ये सबसे बड़ी उनका डिस्कवरी थी कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। असाइंड सिस्टमैटिक नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर सल्फेट सल्फाइड। देखो जैसे केमिस्ट्री में लेवेसर को माना जाता है, वैसे ही फिजिक्स में न्यूटन सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। दोनों सर आइजैक न्यूटन फादर ऑफ फिजिक्स है और एंटोनो लेवेसर फादर ऑफ केमिस्ट्री है, याद रखो। स्टडीड द एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फॉस्फरस एंड मर्क्यूरी एंड जिंक। इन्होंने इतने सारे एलिमेंट्स पे स्टडी की है। उनके फर्स्ट बुक ऑन मॉडर्न केमिस्ट्री एलिमेंट्री ट्रीज ऑन केमिस्ट्री 1978 उनका फर्स्ट बुक था ये। वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, देखो यहाँ पे हमें दिया गया कि कैसे वेरीफाई करें कि लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन सही है। मैनी कंपाउंड्स कैन बी मेड बाई डिफरेंट मेथड्स, फॉर एग्जाम्पल टू सैम्पल्स ऑफ कंपाउंड कॉपर डाइऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड CuO वेयर ऑप्टेंड वन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट CuCO3 एंड अनादर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट CuNO32। फ्रॉम ईच ऑफ दीज सैम्पल्स मास ऑफ 8 ग्राम ऑफ कॉपर कॉपर ऑक्साइड वॉज टेकन एंड ईच आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली विथ हाइड्रोजन गैस। इसमें क्या देगा, मैनी कंपाउंड्स आर मेड बाई डिफरेंट मेथड्स। सो फॉर एग्जाम्पल हम 2 सैम्पल्स किसके लेंगे, कॉपर डाइऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड के लेंगे CO के, और क्या उससे ऑप्टेन करेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड अनदर डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। फ्रॉम दिस सैम्पल मास ऑफ 8 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वॉज टेकन, उसको अलग से ट्रीट किया जाएगा इंडिपेंडेंटली हाइड्रोजन गैस के साथ। बोथ गेव 6.4 ग्राम कॉपर एंड 1.8 ग्राम वाटर। क्यों, क्योंकि उसमें था ऑक्सीजन और हमने किससे ट्रीट किया उसको, उसको ट्रीट किया हमने हाइड्रोजन गैस से, तो क्या निकला, वाटर वाटर मिला हमें। सो लेट अस सी हाउ डज दिस इज वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विथ हाइड्रोजन एल्डेड टू नोन सब्सटेंस नेमली द कंपाउंड वाटर एंड द एलिमेंट कॉपर। इट इज नोन दैट इन द कंपाउंड वाटर, मतलब देखो रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एल्डेड टू हाइड्रोजन से बनाए हुए 2 नॉन कंपाउंड्स, मतलब जाने माने कंपाउंड्स, उनको नेमली कंपाउंड वाटर एंड एलिमेंट कॉपर कहा जाता है। इट इज़ नोन दैट द कंपाउंड वाटर H2O द एलिमेंट्स H हाइड्रोजन एंड O ऑक्सीजन आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1H2O8 बाय मास। दिस मीन्स दैट 9 ग्राम ऑफ वाटर वेयर देर आर 8 ग्राम ऑफ एलिमेंट ऑक्सीजन, देर फॉर 1H2O8 ग्राम वाटर कंटेंट्स 1 × 1.8 / 9 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे दिया गया है 1 × 1.8 / 9 इज इक्वल टू 1.6 ग्राम ऑक्सीजन। दिस ऑक्सीजन हैज कम फ्रॉम 8 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। इट मीन्स दैट 8 ग्राम ऑफ बोथ सैम्पल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड कंटेंट 6.4 ग्राम कॉपर एंड 1.6 ग्राम ऑक्सीजन एंड द प्रोपोर्शन ऑफ मास ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन इट इज 6:4, 1:4:1 एंड 1:6, 6.4:1.6। देखो ये प्रोपोर्शन क्या दिया गया है, 6.4:1.6 दैट इज 4:1। दिस इज दस द एक्सपेरिमेंट शो दैट प्रोपोर्शन ऑफ मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ कंपाउंड इज कॉन्स्टेंट।
So now let us see that expected proportion by mass of the constituent elements of copper oxide and the from the नॉन मॉलिकुलर फार्मूला CuO. मतलब हमने इससे क्या देखा कि जो प्रोपोर्शन है मास का प्रोपोर्शन निकालना वो कैसे किया जाता है, रेशियो से किया जाता है. 1:8 ये रेशियो है ना, इसकी तरह किया जाता है. सो रेशियो से हमने निकाल, तो हमें क्या निकालना है, क्या ढूंढना है, नॉन किसको ढूंढना है, CuO को, कॉपर ऑक्साइड को. सो टू फाइंड आउट दिस वी नीड टू यूज द नॉन एटोमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स. एटोमिक मासेस ऑफ कॉपर सी यू एंड ओ ऑक्सीजन इज 63.5 एंड 16 रेस्पेक्टिवली. दिस मीन दैट प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट सी यू एंड ओ इन द कंपाउंड सी यू ओ इज 63.5:16 विच इज 3.968:1. ये देखो इसका सिंप्लीफाई किया, इस रेशियो को, इस रेशियो को सिंप्लीफाई किया यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 4:1. देखो ये पूरा 4 नहीं आ रहा, 960.68 आ रहा है. सो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 4:1 लेंगे. दिस एक्सपेरिमेंटल वॉल्यू ऑफ प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स मैच विद द एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन कैलकुलेटेड फ्रॉम द मॉलिकुलर मासेस. दस द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन इज वेरीफाइड. देखो हमने पहले क्या किया था, पहले हमने मॉलिकुलर मास से ये रेशियो निकाला था 4:1. ये अप्रॉक्सीमेटली सही आया है. देखो एटम साइज मास एंड वैलेंसी. देखो एटम्स के कुछ साइज होते हैं, एटम्स में जो ऑर्बिट होते हैं, ये ऑर्बिट होते हैं ऐसे, देखो ऐसे ऐसे ऑर्बिट होते हैं एटम्स में, उसके कुछ साइज होते हैं, उसकी कुछ वैलेंसी होती है, वो हम देखेंगे. फ्रॉम विच एक्सपेरिमेंट वॉज इट डिस्कवर्ड दैट एटम्स हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर. वेन रदरफोर्ड ने दिखा रहा था ये. वॉट आर द टू टाइप्स ऑफ एन एटम, वॉट आर दे मेड ऑफ. देखो एटम किससे बनते हैं, एक तो प्रोटॉन, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसके अराउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन. वी आर हैव लर्न दैट सेंटर ऑफ एन एटम इज इन द न्यूक्लियस. देखो न्यूक्लियस सेंटर में होता है एंड देयर इज अ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अराउंड. द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल्स वाइल द एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट मेकअप द न्यूक्लियस आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल्स होते हैं. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स. द साइज ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय दिस रेडियस. The atomic radius of an isolated atom is a distance between the nucleus of atom and the outermost orbit. मतलब देखो मैं आपको एक डायग्राम निकाल के समझाता हूँ. देखो ये समझो एटम का रेडियस है. सो जो एटम का रेडियस है न्यूक्लियस समझो ये, और इसके बीच में और ये जो है ना ये एटम का रेडियस है, एटॉमिक रेडियस. मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है उसे एटॉमिक रेडियस कहा जाता है और वो किस में एक्सप्रेस होता है, नैनोमीटर्स में. सो अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूल. सो देखो 1/10^9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर. सो 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे गया है 10^9 नैनोमीटर. सो एटॉमिक रेडियस इन मीटर्स, एटॉमिक रेडियस इन मीटर्स, देखो एटॉमिक रेडियस इन मीटर्स 10^-10
एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम, 10^-9 वाटर मॉलिक्यूल, 10^-8 हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में उसका मॉलिक्यूल। सो फील्ड आयन माइक्रोस्कोप इमेज ऑफ आयरिडियम एटम्स, एवरी स्पॉट इन दिस इमेज इज एन एटम। देखो ये जो स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, स्पॉट्स, ये स्पॉट्स स्पॉट्स स्पॉट्स, ये सारे एटम्स हैं। देखो आयरिडियम एटम्स, एटम्स हैव वेरी टाइनी। देखो एटम्स जो होते हैं ना वो आइज से विजिबल नहीं होते, आंखों से दिखते नहीं, ये बहुत स्मॉल होते हैं। और हम सब एटम्स से बने, हम सब में एटम्स होते हैं। आपके आजू बाजू जितनी भी नज़र में आपके जो जो भी चीज़ आ रही है, आप खुद सब एटम से बना हुआ है। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फील्ड आयन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, इनलार्जमेंट इमेज ऑफ एटम, लुक एट द इमेज ऑफ एटम ऑब्टेंड बाय आयन फील्ड माइक्रोस्कोप। देखो 4.2 में दिखे एटम्स, इतने छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे एटम देखो कैसे दिख रहे। इन द एटॉमिक साइज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स इन द एटम। जो एटॉमिक साइज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है ऑर्बिट्स में एटम के। द ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स द लार्जर साइज, जितने ऑर्बिट्स होंगे उतना एटम का साइज लार्जर होगा। फॉर एग्जाम्पल द एटम ऑफ पोटेशियम, के मतलब पोटेशियम, हाँ याद रखना, के मतलब पोटेशियम, इज बिगर दैन एन एटम ऑफ सोडियम, Na, सोडियम। इफ टू एटम्स हैव सेम आउटर मोस्ट ऑर्बिट देन द एटम हैविंग द लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज स्मॉलर दैन द वन हैव फीवर इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मतलब जो टू एटम्स है, दो एटम्स है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ज़्यादा नंबर के एटम्स है, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो स्मॉल होगा, किससे, जिसके एक इलेक्ट्रॉन्स, जिसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कम है उसका सेम आउटर मोस्ट ऑर्बिट उससे कम होगा। फॉर एग्जाम्पल एन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर दैन एटम ऑफ सोडियम, मतलब उनका साइज सेम है लेकिन ऑर्बिट कम है। द मास ऑफ एन एटम, देखो मास ऑफ एन एटम, मास क्या होता है, उसमें जो प्रेजेंट होता है ना कॉन्स्टेंट, उसको मास कहा जाता है। मास ऑफ एन एटम, एटम, मास ऑफ एन एटम, एटम भी बोल सकते हो, एटम भी बोल सकते हो, देखो दोनों प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन बोलोगे गलत, अब सर बहुत गलत बोल रहे हैं, कब से एटॉम एटॉम कर रहे हैं। एटम भी होता है, एटॉम भी होता है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं। देखो इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश मैं अभी बोल देता हूँ, ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा। इंग्लिश है ना दो प्रकार की है, एक है यूके इंग्लिश, उसको जब बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, और एक है यूएस अमेरिकन इंग्लिश। दोनों के प्रोनाउंसिएशन थोड़े अलग होते हैं, देखो स्पेलिंग्स में भी डिफर करते हैं। जैसे यूएस इंग्लिश में एडुकेशन होता है और ब्रिटिश इंग्लिश में एजुकेशन होता है, वैसे देखो प्रोनाउंसिएशन का कुछ नहीं, स्पेलिंग बराबर होनी चाहिए सिर्फ। एंड द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस एंड इट इज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन इट। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक मास नंबर। मतलब देखो एटॉमिक मास नंबर जो होता है ना, तो पहले बता देता हूँ, वो जेड से डिनोट करते हैं, जेड से एटॉमिक मास नंबर जेड से डिनोट करते हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो टोटल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, उनको एटॉमिक मास नंबर कहा जाता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, वो न्यूक्लियस में होते हैं ना इसलिए न्यूक्लियॉन्स। एंड एटम मतलब एटम इज अ वेरी टाइनी,
Then how do we determine its mass? Scientists too face this question. मतलब वो बहुत छोटे होते हैं, उनका मास कैसे हम पता लगाएंगे? It is not possible for scientists of the 19th century to measure atomic mass accurately. Therefore, the concept of relative mass of an atom was put forth. मतलब उसके बाद एक concept रखा गया, relative mass of an atom. And reference atom was required for expressing the relative mass of an atom. मतलब atom को express करने के लिए उसका relative mass of atom होना चाहिए. The hydrogen atom being the lightest and the initially chosen as a reference of atom. मतलब हाइड्रोजन की सबसे लाइट क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर क्या है? 1 है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, क्योंकि उसका एक ही ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. सो विच हैज ओनली 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस. उसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है. न्यूक्लियस वॉज एक्सेप्टेड एज 1. देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एटॉमिक एटम्स बिकम इक्वल टू द एटॉमिक मास नंबर. मतलब उसका जो मास है वो किस से बराबर होगा? पी प्लस एन, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब न्यूक्लियॉन्स के मास के बराबर होगा. लेट अस सी हाउ एक्सप्रेस द रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन एटम हैविंग एक्सेप्टेड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एज 1. द मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इज 14 टाइम्स दैट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम. मतलब जो मास होता है नाइट्रोजन एटम का वो 14 टाइम्स है, इंटू 14 है हाइड्रोजन एटम के. मतलब 1 इंटू 14 कितना? मतलब 14. सो देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14. मतलब बोला ना मैंने 1 इंटू 14 मतलब कितना? 14. तो उसका 14 ही आएगा. द नाइट्रोजन एटम इज 14. दिस हाउ द रिलेटिव मास रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स वेयर डिटरमाइंड. ऑन दिस स्केल द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ मैनी एलिमेंट्स केम आउट ऑफ टू बी फ्रैक्शनल. देयरफॉर इन दिस कोर्स ऑफ टाइम सम ऑफ द अदर एटम्स आर चोजन एज रेफरेंस एटम्स. फाइनली इन 1961 द कार्बन वॉज सिलेक्टेड एज द रेफरेंस एटम. मतलब 1961 में आखिरकार कार्बन को रेफरेंस एटम की तरह चुना गया. फॉर रिलेटिव मास ऑफ कार्बन एटम वॉज एक्सेप्टेड एज 12. तो जो कार्बन का एटम है रिलेटिव मास का वो 12 एक्सेप्ट किया गया, 12 एक्सेप्ट किया गया. द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम कंपेयर टू द कार्बन एटम वॉज, देखो पहले बता देता हूँ, 12 इंटू 1 बाय 12 कितना होगा? 1 होगा. सो दैट इज 1. सो द मास ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन ऑन द स्केल ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस इज अप्रोक्सीमेटली 1. सो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 1 होगा. द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स इन द चार्ट बिलो आर गिवन. यू हैव टू फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर्स. सो हाइड्रोजन का दिया गया है 1, ऑक्सीजन का क्या होगा? सो ऑक्सीजन का क्या है एटॉमिक नंबर? ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का है 16 है ना. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 नहीं है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. सो 8 इंटू 1 रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आएगा? कितना आएगा देखो, ये सॉल्व करो. हीलियम 4, सो हीलियम का 4. एल्युमिनियम का कितना आएगा? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर मालूम है क्या आपको?
देखो फास्फोरस का, पोटेशियम का, आर्गन का, ये निकालना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो 1, 2, 20 सारे एटॉमिक नंबर्स या फिर 30 सारे एटॉमिक नंबर लर्न कर लो, लर्न कर लो 1, 2, 30, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी ना एटॉमिक नंबर याद रहेंगे ना आपको, तो एटॉमिक मास निकालने में, उसका कोई आंसर निकालने में जल्दी ये हो जाता है, इजी पड़ता है। सो टुडे वी हैव हाईली एक्यूरेट मेथड्स फॉर मेजरिंग द मास ऑफ एन एटम डायरेक्टली। हैंस इंस्टेड ऑफ रिलेटिव मास, यूनिफाइड मास हैज़ नाउ बीन एक्सेप्टेड एज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। इट इज़ कॉल्ड डाल्टन, इट्स सिंबल इज यू, इन्वर्टेड यू, हाँ इन्वर्टेड कॉलम यू। सो 1 U इज इक्वल टू 1.66053904 इंटू 10^-27 kg। केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, देखो केमिकल सिंबल्स, IUPAC नेम, IUPAC नेम, देखो हम IUPAC नेम देखेंगे अभी। केमिकल सिंबल्स ऑफ एटम, व्हाट इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन द केमिस्ट्री, एलिमेंट क्या क्या प्रेजेंट होते हैं केमिस्ट्री में, एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स। राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स यू नो। देखो कार्बन का क्या होता है, कार्बन का होता है सी, कॉपर का क्या होता है Cu, ऐसे जो जो मालूम है आपको लिखो। राइट डाउन द सिंबल्स फॉर द एलिमेंट्स एनाटॉमी, आयरन का क्या होता है Fe, आयरन का Fe, गोल्ड का, गोल्ड का होता है Au, हाँ Au होता है शायद से, तो सिल्वर का होता है Ag, लीड का, मर्क्यूरी का होता है, सोडियम का होता है Na। डाल्टन यूज द सर्टन साइंस टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल देखो ये सिंबल्स दिए थे उसने, हाइड्रोजन फॉर, हाइड्रोजन के लिए ये, कॉपर के लिए ये। टुडे वी यूज द सिंबल्स डिटरमाइंड बाय IUPAC नेम, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दीज आर ऑफिशियली नेम्स एंड सिंबल्स आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। द करंट मेथड ऑफ चूजिंग केमिकल सिंबल्स बेस्ड ऑन मेथड इन्वेंटेड बाय बेर्जेलस। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, द सिंबल ऑफ एन एटम इज ईदर द फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट एंड सेकेंड अनदर स्पेसिफिक लेटर इन द नेम ऑफ द टू लेटर्स एंड रिटर्न, फर्स्ट रिटर्न एज कैपिटल लेटर एंड सेकेंड इज स्मॉल। देखो ये इतना पर्पजली यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन IUPAC है ना, IUPAC नेम, ये बहुत यूज़ किया जाता है। जब आप 11th या 12th में जाओगे ना, तब केमिस्ट्री में आपको IUPAC नेम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एटम्स ऑफ सम एटम्स एलिमेंट्स सच एज हीलियम, नियॉन हैव इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। इट मीन्स दैट दीज एटम्स आर इन मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट। Sometimes two or more atoms of an element combine to form molecules of that element. मतलब जो ये atoms है, some atoms like helium, neon, argon, वो independent exist करते, उसका मतलब क्या है, वो mono atomic state, molecular state में है, उनका एक ही atomic state में है वो। Sometimes two or more atoms of an element combine to form मॉलिक्यूल्स ऑफ एन दैट एलिमेंट, सच एलिमेंट्स आर इन पॉलियो एटोमिक मॉलिक्यूलर स्टेट। जो उनके दो या मोर एटोम कंबाइन होते हैं ना, उनको कहते हैं पॉलियो एटोमिक, और जिनका एक ही होता है उनको कहते हैं मोनो एटोमिक। द एलिमेंट्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर डाई एटोमिक मॉलिक्यूलर, मतलब उसमें दो होते O2 N2 रिस्पेक्टिवली। सो वेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विथ each other, the molecules of compounds
आर फॉर्म. सो जो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं. सो इन दिस इन अदर वर्ड्स कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स. कंपाउंड किससे फॉर्म होते हैं? केमिकल अट्रैक्शन से. किस किसके बीच में? डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में. सो मेक अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट एक्सिस्ट इन मोनो एटॉमिक एंड डायटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट्स. मॉलिक्यूलर मास एंड कंसेप्ट ऑफ मोल. देखो कंसेप्ट ऑफ मोल बहुत ज़रूरी है, ये आपको टेंथ में बहुत ज़रूरी रहेगा. मॉलिक्यूलर मास. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस. लाइक एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड विद द यूनिट डाल्टन यू. सो एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास किससे एक्सप्रेस किया जाता है? डाल्टन से. सो हाउ टू डिड्यूस द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एच टू. तो एच टू का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको डिड्यूस करना है तो क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले लेंगे मॉलिक्यूल एच टू, उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूंट है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एटॉमिक मास लेंगे, हाइड्रोजन का क्या है? 1. ऑक्सीजन का क्या है? 16. नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल क्या इतने हैं? देखो एच टू है तो 2, ओ है सिर्फ तो 1. तो एटॉमिक मास इन टू नंबर ऑफ एटम्स. सो 1 × 2 16 × 1 तो 1 × 2 कितना आएगा? 2. 16 कितना है? अभी तो 16 × 1 = 16 ही आएगा. सो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स एटॉमिक मासेस. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एच टू ओ इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एच इंटू टू एटॉमिक मास ऑफ ओ इंटू 1. सो क्या आया? तो इसका प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 2 और 16 = 18. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एच टू कितना आया? वो आया 18. फॉलोइंग आर एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स इन द डाल्टन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सम कंपाउंड्स डिड्यूस द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ दोज कंपाउंड्स. तो एटॉमिक मासेस क्या क्या दिए गए हैं? देखो एटॉमिक मासेस दिए गए हैं हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, पोटेशियम का 39. देखो आपको ये सॉल्व करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के इसको डिड्यूस करो. एक पेज लो, अभी मैंने दिखा सिखाया ना वो मेथड, उससे करो. अभी देखो NaCl है, NaCl है, देखो इसमें Na क्या पे दिया गया है? 23. सो 23 है किसका? Na का. और Cl का कितना है? 35.5. सो 35.5 × 1, 23 × 1, 35.5 × 1. तो उसका प्लस करो, जो आंसर आएगा वो NaCl का मॉलिक्यूलर मास होगा. वे मास ऑफ सिंगल ग्रेन्स ऑफ तूर दाल एंड मसूर दाल एंड चना दाल ऑन अ बैलेंस, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस. तो क्या करेंगे? सिंगल मास ऑफ ग्रेन, जो सिंगल ग्रेन का मास है वो ज़्यादातर नहीं आएगा, थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, वो ज़्यादातर दिखता नहीं है. मसूर दाल एंड चना दाल ऑन द बैलेंस एंड वे मास ऑफ 10 kg तूर दाल मसूर दाल ईच एंड काउंट द नंबर ऑफ दाल ग्रेन्स ऑफ ईच काइंड ऑफ वेट पोर्शन. दिस इज द नंबर ऑफ द सेम ऑफ द ऑल डिफरेंट. डिफरेंट होगा क्योंकि अगर हमने एक का वजन निकाला और उसको दूसरे बाकी के ग्रेन्स से मल्टीप्लाई करके बाकियों का वजन निकाला ना, तो थोक कभी कभी डिफर भी कर सकता है. ड्रॉ अ लाइन एंड स्केच ऑन पेपर, पेंट इट बाय प्लेसिंग पेस्टिंग दाल ग्रेन्स इन द सीक्वेंस तूर मसूर एंड बेलग्राम. बेलग्राम मतलब चना दाल. यू विल नीड इक्वल नंबर ऑफ दाल ग्रेन्स ऑफ द थ्री काइंड्स. काउंट द नंबर एंड ऑल्सो फाइंड आउट
how many dozens of respective dal grains are required. Therefrom, reduce the number of grams on the respective dal grains where are required. Therefrom, deduce the number of gram of tur dal and masoor dal and chana dal required for painting the picture. What inference you will draw about the mass of equal and different dal grains and number of the dal grains are equal of mass of different. देखो इक्वल कभी इक्वल होगा कभी डिफरेंट होगा, ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है. थिंक अबाउट में क्या है, हाउ मच ऑफ व्हीट ज्वार एंड बाजरा सीड इज रिक्वायर्ड फॉर सोइंग 1 acre ऑफ लैंड. हाउ कैन दिस मासेस बी करिलेटेड टू द नंबर ऑफ ग्रेन्स फॉर द रिस्पेक्टिव सीरियल्स दे कंटेन. देखो कभी कभी ना एक क्रॉप को लगाने के लिए ना एक सीड सफिशिएंट होता है और कभी कभी एक नहीं होता, कभी कभी 2 या 3 सीड डालने पे एक क्रॉप आता है. तो ये हम करिलेट नहीं कर सकते. इट इज़ पॉसिबल टू वे अ मास ऑफ एन मॉलिक्यूल यूजिंग अ वे बैलेंस, नहीं पॉसिबल नहीं है. एक मॉलिक्यूल का तो नहीं वजन निकाल सकते. विल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल द सेम इन द इक्वल क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ये भी हमेशा डिफरेंट सब्सटेंस का इक्वल नहीं आ सकता. इफ वी वॉन्ट टू इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस विल इट वर्क टू टेक इक्वल मासेस ऑफ दोज सब्सटेंसेस. ये देखो ये हो सकता है, वेन वी इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे अलग अलग सब्सटेंसेस के और उनके इक्वल मासेस लेंगे उनके सब्सटेंसेस के तो वो इक्वल आ सकते. वेन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस इट इज देयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विथ ईच अदर एंड देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू नो दैट नंबर ऑफ देयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. मतलब नेसेसरी क्या होगा, हमें उनके नंबर जानने होंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं. हाउएवर वाइल कैरिंग आउट अ केमिकल रिएक्शन इट इज़ कन्वीनियंट टू मेजर आउट क्वांटिटीज दैट कैन बी हैंडल्ड इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द नंबर्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. मतलब ये क्या कन्वीनियंट होगा, हमें उनके क्वांटिटीज मेजर करनी होंगी, किससे अच्छा, उनके नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स हैंडल करने से अच्छा. द कंसेप्ट ऑफ मोल इज़ यूजफुल फॉर दिस. मोल में क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है. देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया गया है. मोल कॉन्सेप्ट बहुत ये होता है ज़रूरी, ये आपको 10th में आएगा 11th में आएगा. वाइल कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन, देखो अ मोल इज अ क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन डाल्टन्स. दस द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32U. 32U कैसा, 16 into 16 16 32 होता है, 32U, 32 डाल्टन. देयरफॉर ऑक्सीजन इज 32 एंड इज द मोल ऑफ 1 mole ऑफ ऑक्सीजन. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 80U. देयरफॉर 80 ग्राम ऑफ वाटर मेक 1 mole ऑफ वाटर. वन मोल ऑफ कंपाउंड इज मास ऑफ द सब्सटेंस ऑफ ग्राम इक्वल्स इन द मैग्नीट्यूड इट्स मॉलिक्यूलर मास इज द यूनिट. ऐसा यूनिट इज मोल. मोल का ऐसा यूनिट क्या है, मोल ही है, MOL. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस n इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस. देखो ये फॉर्मूला याद रखो और हम मिलेंगे अगले पार्ट में इस वीडियो के. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और
अगर आपको मुझे कुछ सजेस्ट करना हो तो कमेंट्स में मुझे सजेस्ट कीजिए, सजेशन दीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर, और मिलेंगे पार्ट 2 में।